मैहर के चित्रकूट पर्वत पर विराजी माता शारदा देवी के मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज का मंगलवार को निधन हो गया। उनके बैकुंठवास की खबर आती ही मैहर और सतना में शोक की लहर है। माँ शारदा देवी मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज का मंगलवार को दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें दो दिन पहले ही दिल्ली ले जाया गया था। पंडित देवी प्रसाद 75 साल के थे। वे अपने पिताजी के बाद शारदा देवी मंदिर के प्रधान पुजारी बने थे। महज 12 वर्ष की उम्र से ही उनका मन पूजा पाठ में लग गया था। कई दशकों तक माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए देवी प्रसाद महाराज माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 3 बार अपनी जीभ माता शारदा के चरणों में समर्पित भी कर चुके हैं। माता की आरती की रचना भी उन्होंने की। वे सिर्फ घर से मंदिर और मंदिर से घर तक ही जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी मैहर की गलियों को जानने में रुचि नहीं ली। उनके लिए घर के बाद दूसरा एकमात्र स्थान मंदिर ही रहा। बेहद शालीन व्यक्तित्व के धनी पंडित देवी प्रसाद महाराज का आसन मंदिर की पहाड़ी में बनी गुफा में ही लगता था। उसी में वे भक्तों से मिलते और उन्हें आशीर्वाद देते थे। गुफा पिछले कुछ समय से मंदिर के प्रधान पुजारी का जिम्मा उनके बड़े बेटे पवन पांडे महाराज संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे गुफा में ही रहकर स्वयं पूरी व्यवस्था पर नजर रखते हैं। इस बार के शारदीय नवरात्र मेले के दौरान उन्होंने घर जाने के बजाय मंदिर में ही रहने का निर्णय लिया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर परिजनों के आग्रह के बाद वे घर आए थे। उन्हें 11 नवंबर को दिल्ली ले जाया गया था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनकी पार्थिव देह दिल्ली से मैहर लाई जा रही है। साथ में दोनों बेटे पंडित पवन महाराज और दीपू पांडे हैं। पंडित देवी प्रसाद महाराज का अंतिम संस्कार मैहर में ही किया जाएगा। हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। स्वामी के विषय में मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं उनके लिए एक शब्द बोल सकूं। यही कहूंगा कि ब्रह्म तत्व आए और ब्रह्मलीन हो गए और हम लोगों को कह के गए थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन छोड़ के चले। बस इतना ही कहूँ। संस्कार कब होगा ये महाराज जी? संस्कार अगले दिन बुधवार को संस्कार हो।